तो लास्ट वीडियो में हमने डाइट के बारे में कुछ बात की थी, और आज बात करते हैं स्लीप के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। उनमें से स्लीप का एक खास एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें ध्यान में रखना है। ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 6 to 6.5 आवर और 7 आवर्स हमें 24 आवर्स में से एक गुड स्लीप हमें लेनी है। गुड स्लीप कई तरह की हो सकती है। वो पूरी तरह मेंटेन हो रही हो, मतलब बार बार टूट नहीं रही हो, जैसा कि अक्सर डिप्रेशन में देखा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग इंसोमनिया होता है, सुबह के समय या रात के समय नींद टूटती है। बट वी आर हैविंग अ टॉक रिगार्डिंग पॉजिटिव आस्पेक्ट, इसलिए हम डिप्रेशन या तनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्लीप की बात कर रहे हैं कि 6 to 7 आवर्स की एक गुड स्लीप इंसान को लेनी चाहिए। इसे बाइफरकेट किया जा सकता है। अगर आप नाइट में 5 घंटे या 5.5 घंटे सो रहे हैं, तो आप डे टाइम में 1 आवर तक का रेस्ट, 45 to 1 आवर का रेस्ट ले सकते हैं। तो ये सबसे पहला कंपोनेंट हो गया कि एटलीस्ट हमें एक अप्रोप्रिएट आवर्स की गुड स्लीप लेनी है। दूसरी बात, हमें लाइट एक्सपोजर नाइट में कम रखना है। अब इसमें दोनों चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। डे टाइम में हमें नेचुरल लाइट या लाइट सोर्स अच्छे रखने हैं। इससे नाइट में जब हम डिम लाइट में जाएंगे, तो हमारा जो होम्योस्टेसिस मतलब हमारा जो मेंटल एनवायरनमेंट है, मेंटल पीस है, वो उसे अडॉप्ट कर लेगा और आसानी से हमें स्लीप की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर हम दिन में भी डिम लाइट रख रहे हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा और नाइट में हो सकता है हमें स्लीप डिस्टर्बेंस पैदा करें। तो ऐसा माना जाता है कि डे टाइम में नेचुरल लाइट में हम अडेप्टेशन रखें या लाइट सोर्स मैक्सिमम रखें, और नाइट में हमें ब्लू लाइट से बचना है या डिम लाइट हमें रखनी है। तो एक कंपोनेंट हमारा लाइट एक्सपोजर के रिगार्डिंग हो गया। तीसरा है, कैफीन से प्रिवेंट करें। चाय, कॉफ़ी, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो स्लीप डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, तो लेट नाइट चाय कॉफ़ी वगैरह को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा लेट नाइट हमें कुछ ज़्यादा नहीं खाना है, या ऐसा माना जाता है कि सोने से 2 घंटे पहले हमें खाना वगैरह छोड़ देना चाहिए। हैवी हमें कुछ नहीं करना है, तो ऐसा कोई खाना हमें नहीं करना है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर में बात करूंगा, अवॉइड एल्कोहल से दूर रहना है। डे में छोड़िए, नाइट में छोड़िए, एल्कोहल तो हमें लेना ही नहीं है, ये हमारी और भी हेल्थ इश्यूज़ पैदा कर सकता है। तो अवॉइड एल्कोहल, डू नॉट ईट बिफोर गो टू बेड या इमीडिएटली गो टू बेड, एंड अवॉइड कैफीन एंड टी, लाइट एक्सपोजर इन अ डे टाइम एंड इन नाइट, प्रिवेंट फ्रॉम ब्लू लाइट, 6 to 7 आवर्स अ गुड स्लीप। इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट भी होते हैं जो गुड हेल्थ को, गुड स्लीप को प्रमोट करते हैं, बट मैं चाहूँगा कि नेचुरल तरीके से ही अगर आप स्लीप को प्रॉपरली अपने एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, सिक्स नंबर में बात करूँगा कि आप कंसिस्टेंट टाइम रखें सोने का। कंसिस्टेंट टाइम से मेरा मतलब है कि फिक्स शेड्यूल रखें कि आपको 11 बजे अगर आप सोने के लिए जाते हैं, तो कोशिश करें कि डेली आप 11 बजे सोएं, और अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आप कोशिश करें डेली उसी समय पर उठें। इससे आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक, मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो इस सर्केडियन रिदम को, इस बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करता है। मेलेटोनिन जो एक प्लीनल ग्लैंड, जो एंडोक्राइनल ग्लैंड है, उसे सीक्रेट होता है, और हमारे सोने का साइकिल, जगने का साइकिल, हार्मोन का रेगुलर सीक्रेट होने हमारी बॉडी में, वो सब ये मेंटेन करता है। तो अगर आप कंसिस्टेंट टाइम प्रेफर करेंगे, एक फिक्स शेड्यूल प्रेफर करेंगे कि मुझे 11 बजे सोना है, तो धीरे 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 आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैविक घड़ी, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, आपने गांव में कभी 4 बजे का अलार्म लगाते हुए किसी को नहीं देखा होगा, लेकिन वो लोग तो फिक्स 4 बजे उठना है, तो सुबह अपने आप ही 4 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि उन्होंने सालों से ये काम प्रैक्टिस किया है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो चुकी है, 4 बजे 4:15 बजे ऑटोमेटिकली उनकी आँखें खुल जाती हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट थे, आप ट्राई करें स्लीप के रिगार्डिंग, आप ऐसा कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके गुड स्लीप मेंटेन कर पाएंगे, और जो आपको दिन भर तनाव से मुक्ति रखेगी। एक और बात खासतौर पर ध्यान रखिएगा, स्लीप इज ऑल्सो अ ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी एक्सरसाइज। दोबारा रिपीट करूंगा, स्लीप ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ इंपॉर्टेंट हेल्दी एक्सरसाइज लाइक द अदर एक्सरसाइज। अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हैं, अगर आप गुड स्लीप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका ओवरऑल सिस्टम बॉडी का अफेक्ट करेगी, क्योंकि स्लीप को भी हम एक गुड और हेल्दी एक्सरसाइज के रूप में देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।